तो ले भाई बाढ़ छुट्टन लग गया है मेडिकल आले और फिजिकल आले और पूछेंगे भाई इन भाई तक कुछ ना। देखो बाहर मेन गेट पे हूँ, के कहने भाई हो हो गया फिजिकल क्लियर है क्लियर भाई क्या एक्सीलेंट में हो गया। तो ला भाई ये भाई आ गया अपना जानकारी देने, कौन सा गांव है भाई अपना? भाई अपना रामपुरा गांव है। रामपुरा गांव है चरखी दादरी में? हाँ भाई चरखी दादरी। ला भाई इन भाइयों ने चरखा चला दिया तो आ जाए रामपुरा में। तो 10 जने थे भाई, 10 जने थे भाई, 6 जने का फिजिकल हो गया, फिजिकल फिट है 6 जने। अच्छा तो स्टाफ की साग लगे भाई, भाई स्टाफ तो जानकारी एक नंबर का रहा है, मेडिसिन तो भीतर ले जान को दी, बाकी स्टाफ बहुत बढ़िया रहा भाई, ना कुछ गाली गलोच दे ना मारे ना कुछ और दूँ, प्यार तो ले जाए हैं सारे काम प्यार तो करवाओ, एक नंबर प्यार तो स्टाफ है। हाँ, कोई टेंशन नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आओ तो एक बनी दो बताओ है दो तीन कुछ किस तरह पूछो भाई, पूछो भाई बढ़िया रहा तो जमा बढ़िया रहा तो समझाओ है, कंप्लीट टाइम है भाई बिल्कुल। अगर 5:30 अगर बंदे का टाइम है तो एक्सीलेंट है, और 5:30 से लेकर अगर 45 का है तो गुड का भाई बिल्कुल, अगर घड़ी चल लगी बकायदा 45 से ऊपर जा सके, पर 45 से नीचे नहीं होगा। 45 ऊपर भाई बकायदा 6 मिनट तक का टाइम दे, 6 मिनट का जिस भाई ने ग्राउंड पर बढ़िया तैयारी कराखी है ना वो भाई रुके कोनी, और भाई बढ़िया डाल तो मन करके आप रेस मारोगे ना तो आपका फिजिकल डन है, जिन्हें मेहनत कर रखी होगा उसका फिजिकल भाई उसका फिजिकल तो 100% डन है डन है। हाँ शाम ही घड़ी चल लगी, जब आपको इसे भाई का डाउट होना की टाइम कम दी है हमने टाइम कम मिला या वाह, तो सारे डाउट क्लियर कराखे है भाई आगे घड़ी चल लगी। अच्छा 5:30 तक एक्सीलेंट में ले है। एंट्री किस टाइम हुई और बंद किस टाइम हुई भाई? भाई 4 बजे एंट्री स्टार्ट करी थी और 6 बजे तक एंट्री करी थी भाई, 6 बजे तक एंट्री करी थी। तो भाई ग्राउंड किस आग लगा भाई? ग्राउंड तो भाई एक नंबर का ग्राउंड है, बाकी का तो समझो 5 तो भरे हैं हर। अच्छा। ग्राउंड पर नया नया बालक जो रनिंग कर रहा है, बाकी ग्राउंड एक नंबर का था भाई, बढ़िया तैयार करा क्या है, बढ़िया जमा एक नंबर का, एक नंबर का तैयार करा। डॉक्यूमेंट्स में भाई के चेक कर रहे हैं भाई, एंट्री करी जब एडमिट कार्ड लिया था बस। अच्छा हाँ एडमिट कार्ड लिया था वो, फिर अंदर आते ही बाकी एडमिट कार्ड डलवा दिया था, फिर सीधा ग्राउंड पे लेकर आए थे। हाइट चेस्ट वेट के बारे में बताइए भाई। हाइट चेस्ट वेट के बारे में तो भाई हाइट नॉर्मल ने पे, बाकी चेस्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत सी आ बड़का का है क्योंकि फुल आउट में कोनी आवे, और जिससे फुल आउट नहीं होती है उनको डिप्स मार ले और कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मौका दी भाई ना होया तो दोबारी मौका दी, ना होया तो तीसरी बार में मौका दे हैं। अच्छा लास्ट बंदा तो मौका दी है, आखिरी बंदा जब तक नहीं आले तब तक मौका दे भाई। बढ़िया मतलब इसका मतलब स्टाफ एक नंबर का आ रहा है, एक नंबर का आ रहा है भाई। वेट मिनिमम कितना होना चाहिए भाई? वेट तो भाई हाइट के अनुसार ले है, मिनिमम 50 तो ऊपर होना चाहिए और लगभग 74-75 तो ऊपर नहीं होना चाहिए, 74-75 मिनिमम तो 52 होना चाहिए क्या 50 हो 55 पिचपन की होना चाहिए, 52 वाला कर रखा है, बाकी नॉर्मल तो आपने बेरा वेट तो 50 दे है। हां मतलब यार किसी का आर्मी में ओवरवेट हो जाए तो ओवरवेट हो जाए तो भाई उसने टाइम दे है वेट घटा लो तो घटा ले। अच्छा और जिसका वेट नहीं हो उसने भी टाइम दे है कुछ खा पिया वेट बढ़ा ले अपना। ठीक है भाई, और भाई को थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगा, कुछ कहना चाहूँगा अपने शब्द में भाई। भाई देखो जिस भाई की भी आगे बढ़ती है उसने भाई पहले तुम्हारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई, और जो भाई आज हाइट वेट टेस्ट में रहे हैं तो उसका तो दुख हो गई है कि हमारे साथ का बालक रहा है। अच्छा। तो कोई नहीं भाई अगली भर्ती आओगी उस खातर आपने बेस्ट ऑफ लक भाई, बढ़िया तैयारी करनी है, बढ़िया डाल तो मन करके तैयारी करिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा भाई। ला भाई भाई ने एक एक बात बढ़िया दिल तक बताई है और धरती हौसला भी दिया है भाई। तो क्या नाम है भाई अपना? भाई मेरा नाम अनिकेत है, अनिकेत रामपुरा भाई, रामपुरा गांव का नाम है और चरखी दादरी में है। हाँ, चरखी दादरी में। ठीक है भाई, भाई ने बढ़िया जानकारी दी है, थैंक यू भाई। ओके।